कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी, असंतुष्ट गुट G23 के नेता गुलाम नबी आज़ाद से गुरुवार को मिलेंगी। सोनिया ने बुधवार की रात टेलीफोन पर आज़ाद से बात की थी। ठीक उसके पहले आज़ाद के घर पर असंतुष्ट नेताओं की बैठक हुई थी, जिसमें पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की आलोचना की गई थी। इस बैठक में किन बातों पर चर्चा की गई, इसकी जानकारी आज़ाद कांग्रेस प्रमुख को देंगे। इसके अलावा वे G23 के नेताओं के सुझावों को सोनिया गांधी तक पहुंचाएंगे। बुधवार को हुई बैठक में फैसला लिया गया कि G23 के लोग गांधी परिवार से अपील करेंगे कि वे अपने वफादारों को प्रमुख पदों से हटा दें। इस बैठक में यह भी कहा गया कि पार्टी बहुत कमजोर हो गई है और इसे टूट से बचाना मुश्किल होगा। बुधवार के बैठक के बाद असंतुष्ट गुट ने एक आधिकारिक बयान जारी किया। इसमें कहा गया, हम लोग कांग्रेस के सदस्य हाल में हुए विधानसभा चुनाव में हतोत्साहित करने वाले नतीजों और बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं और नेताओं के पार्टी छोड़ने पर विचार करने के लिए मिले। हमारा मानना है कि कांग्रेस को आगे ले जाने का एकमात्र रास्ता ये बचा है कि समावेशी और सामूहिक नेतृत्व हर स्तर पर अपनाया जाए। इसी बयान में इसके आगे कहा गया है, बीजेपी का विरोध करने के लिए ये जरूरी है कि कांग्रेस पार्टी को मजबूत किया जाए। हम कांग्रेस पार्टी से ये मांग करते हैं कि समान विचार रखने वाली ताकतों से बातचीत शुरू की जाए, ताकि 2024 के लिए एक भरोसामंद विकल्प तैयार किया जा सके। इसी बयान में इसके आगे ये भी कहा गया है, हम तब तक कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ेंगे जब तक हमें बाहर निकालना दिया जाए। हम इस बात पर जोर देते रहेंगे कि पार्टी का लोकतांत्रिकरण किया जाना चाहिए और हम इस पार्टी को लोकतांत्रिक बनाने और 2024 में एक विश्वसनीय विकल्प देने के लिए पूरे देश का दौरा करेंगे। यह भी दिलचस्प है कि जिस समय कांग्रेस के ये असंतुष्ट नेता सामूहिक और समावेशी नेतृत्व की मांग कर रहे थे, कांग्रेस पार्टी ने ऐलान कर दिया कि सोनिया गांधी ने 5 लोगों को नियुक्त किया है जो ये पता लगाएंगे कि 5 राज्यों में पार्टी की हार किन कारणों से हुई। ये 5 लोग हैं, गोवा में रजनी पाटिल, मणिपुर में जयराम रमेश, पंजाब में अजय माकन, उत्तर प्रदेश में जितेंद्र सिंह और उत्तराखंड में अविनाश पांडे। इस सूची में G23 का कोई सदस्य नहीं है। G23 ने इस पर कांग्रेस पर चोट करते हुए कहा कि जो लोग पार्टी की हार के लिए जिम्मेदार हैं, उन्हें ही हार का पता लगाने को कहा गया है। इस बीच मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर G23 के नेता कपिल सिब्बल पर जोरदार हमला बोला। कपिल सिब्बल एक अच्छे एडवोकेट हो सकते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के एक अच्छे नेता नहीं हो सकते, क्योंकि किस गांव में गए, कौन से जिले में गए, कौन से स्टेट में घूमे, कहां कहां काम किए। देखो, बैठे जगह एडवाइस देने वाले बहुत होते हैं, ग्राउंड रियलिटी अलग होती है, ज़मीन पे जाना अलग होता है, और वही लोगों की जो इच्छाएं हैं, कांग्रेस वर्कर का जो मंशा है, वही लोग जान सकते हैं। ऐसा हवा में बात करने से कुछ होने वाला नहीं है। और अब जो मैडम गांधी जी काम कर रहे हैं और एक्शन ले रहे हैं, इससे यही साबित होता है कि जो कोई भी काम अगर नहीं करेगा उसको शिक्षा मिलेगी। और ये ऐसी बातें जो सिब्बल साहब बार बार कह रहे हैं, ये पार्टी की कमज़ोर करने की नीति है। मैं तो ये कहूँगा ये जानबूझ के कर रहे हैं, ये पार्टी को कमज़ोर।